2016 कैलेंडर इसे लीप ईयर बता रहा था। लीप यानी ज्यादा, बहुत। ऐसा ही बहुत कुछ हो रहा था तारा की जिंदगी में। दोपहर चमकीली थी, उससे अधिक चमक उस लड़की के चेहरे पर थी जो चहक चहक कर चापाकल पर पानी लेने आ रही थी। वो जब भी आती उसका सामना नेहरू मुंडा से होता। ये बात रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के सरबा टोली की है। लड़की तारामती थी तो राहे की, लेकिन सरखा टोली में किराए का मकान लेकर रह रही थी। नेहरू उसे जब भी छेड़ता वो इठलाती हुई आगे बढ़ जाती। एक दिन नेहरू ने उसकी कलाई पकड़ ली तो वो बस आंखों में देखती रह गई। समय के साथ इसकी हंसी ठिठोली प्यार में बदली और इस प्रेम ने देह का देह से रिश्ता कायम कर दिया। अब अचानक दूसरा पुरुष आधम का, नाम था जीतलाल मुंडा। दरअसल ये पुरुष तारामती का पति था। सेना का जवान था, इसीलिए साल में एक या दो बार छुट्टियों में घर आता था। शराब पीकर तारामती के साथ ये मारपीट करता था, जिससे तंग आकर वो सरबा टोली रहने लगी थी। पानी भी ठंडा ठीक से नहीं देती, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। इधर नेहरू तड़पता रहा, तारामती बिलखती रही। रात भर तारामती रहती तो जीत के साथ, पर उसका मन नेहरू में समाया रहता। दिन में चुपके से नेहरू से मिली, अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए नेहरू से बोली। नेहरू ने इस काम में 1,00,000 रुपए का खर्च बताया। तारा ने नेहरू को अपना ATM कार्ड दिया, जिससे अलग अलग जगहों से 80,000 रुपए निकाले गए। नेहरू मुंडा ने एक अपराधी राजदेव सिंह मुंडा को जीतलाल का खून करने के लिए उसे सुपारी दी और तारामती से कहा कि 16 मई 2016 की रात वो अपने ग्रिल का ताला ना लगाए। रात को 11 बजे तीन हत्यारे घर घुसे। तारा दूसरे कमरे में चली गई। अपराधियों ने जीतलाल का काम तमाम कर दिया। इसके बाद तारा ने पुलिस के सामने झूठी कहानी गढ़ी और कहा कि डाका डालने आए डकैतों ने उसके पति जीत का खून कर दिया। पत्नी के बयान पर डकैती और हत्या का मामला नामकुम थाना में दर्ज किया गया। प्रेम जाल में जकड़ने के बाद तारा ने 139 दफे फोन पर नेहरू से गुफ्तगू की थी। वैसे फौजी के खून होने के बाद से ही पुलिस को तारा पर शक था। उसका शक तब यकीन में बदल गया जब तारा और नेहरू की प्रेम कहानी उभर कर सामने आई। CDR की गवाही से ये साफ हो गया था कि तारा और नेहरू के बीच चक्कर था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब नेहरू टूट गया और मर्डर के पीछे छुपे राज को बेनकाब कर दिया। तारामणि देवी द्वारा पूर्व में अपने पति के हत्या के आरोप में 10-11 अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया था, परंतु कांड के अनुसंधान में ये पता चला कि जो केस की बादनी है उसकी भी संलिप्तता है और कांड के अनुसंधान में उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उसके अलावा जो है सो अन्य करीब 9 व्यक्ति के ऊपर आरोप पत्र अभी तक समर्पित किया गया। तारामणि ओकर घरोया तोहरे के बोहरिया हम पुतौ पुतौ हाँ पुता यार क्यों कोनो क्यों शामिल रहे यार रहे 5-6 लोग के शामिल कर रहे पकला ही। तोहरे के बेटा का करत रहे? मोर बेटा पुलिस रहे फौजी हाउ तो छुट्टी में ही ना आए रहे के। नेहरू के एक बालिया बयान के आधार पर नामकुम पुलिस ने तारामती देवी, नेहरू मुंडा, अमित कुमार राय उर्फ राजेंद्र राय, साहिल कुमार उर्फ विक्रम, हरे राय पांडे उर्फ गोलू और अनिल कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 311 दिन जेल में बिताने के बाद अभी कहां है तारा? क्या कर रही है तारा? फौजी पति की हत्या के आरोप पर क्या कह रही है तारा? मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा है। मेरा पति का जो खून किया उसका सबूत मेरे पास है।